नमस्कार दोस्तों, मन भावन किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे स्टफ सूजी बॉल। उसके लिए चाहिए हमको बारीक वाला सूजी, हम 2 कप सूजी ले लिए हैं बारीक वाला। इसमें थोड़ा नमक मिलाएंगे, इसको हम दही के साथ एक डो तैयार करेंगे। इसको एक डो बना लेंगे इस तरह से हाथ से मिला करके। इसका इस तरह का डो तैयार करके इसको हम 15 मिनट ढक करके रख देंगे। स्टफिंग के लिए चाहिए हमको उबला हुआ आलू, कद्दूकस किया हुआ गाजर, बारीक कटा हुआ कैप्सिकम, बारीक कटा हुआ फूलगोभी और मूंगफली बादाम थोड़ी, अदरक, कटा हुआ मिर्चा। अभी हम इसका मसाला तैयार करेंगे सबको एक साथ मिला करके। एक पैन में तेल गरम करके उसमें हम 5 फोरन डालेंगे, हींग डालेंगे थोड़ा, कटा हुआ हरा मिर्च डालेंगे इसमें, अदरक डालेंगे, मूंगफली बादाम डालेंगे, बादाम थोड़ा भून गया है अब इसमें कुनौली डाल देंगे। गोभी थोड़ा भून गया है अब इसमें हम पिसा हुआ गाजर डाल देंगे, सबको अच्छी तरह से भून लेंगे। अब 1 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, कलर के लिए थोड़ा हल्दी भी डालेंगे। काली मिर्च पाउडर, इसमें उबला हुआ आलू को मैश कर लिए हैं उसको इसमें मिलाएंगे। अब इसमें नमक मिलाएंगे स्वाद अनुसार। अच्छी तरह से मिला के आलू को भून लेंगे। ये मेरा अस्टफिंग मसाला बहुत अच्छा तैयार हो गया है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। नाश्ता चेंज करके बनाने में अच्छा रहता है, बड़ी प्यार से तो खाते हैं। अलग अलग तरह से बनाइए। ये तैयार हो गया है मेरा। अब हम गैस बंद करके इसको ठंडा करने के लिए नीचे उतार लेते हैं। मिश्रण ठंडा हो गया है, इसमें हम कटा हुआ धनिया मिलाएंगे, सबको अच्छा से मिला लेंगे इस तरह से। पंद्रह मिनट हो गया है, अब हम सूजी के आटे को देख लेते हैं। ये देखिए बहुत ही मुलायम हो गया है,
इस तरह से अभी इसको हम मसल मसल के थोड़ा और भी सान लेंगे। इस तरह से मिला देंगे। आटा एकदम हल्का हो गया है, इस तरह से देखिए। देखिए हम इसमें कुछ भी नहीं मिलाए हैं, ना ही बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, कुछ भी नहीं, बस दही से लगा है इसका डो। देखिए किस तरह का हो रहा है, ये देखिए। अब इसका हम छोटा छोटा बॉल बना लेंगे। अब इस तरह का छोटा छोटा बॉल बना ले। हाथ में थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे। इस तरह से इसमें भर लेंगे। इस तरह का बना ले बॉल। इस तरह से हम सारे बॉल तैयार कर लिए हैं। अब हम इसको उबाल लेंगे। हम उबालने के लिए बॉल को पानी चढ़ा दिए हैं गैस पर। पानी में उबाल आएगा तो हम बॉल इसमें डालेंगे। पानी में उबाल आ गया है, अब इसमें हम एक चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। अब सारे बॉल को डाल के उबाल लेंगे। अब इसको 5 मिनट उबाल लेंगे। एक बार इसको चम्मच से इस तरह से घुमा देंगे। पांच मिनट हो गया है, ये मेरा बॉल तैयार हो गया है। देखिए आपको कहिएगा पता कैसे चलेगा, तो ये पानी में पूरा तैरने लगता है इस तरह से, तो समझ जाइए आपका बॉल पक के तैयार हो गया है। अब इसको पानी से निकाल के ठंडा कर लेंगे। एक कढ़ाई में तेल गरम कर ले 2 बड़े चम्मच, उसमें राई डाल देंगे, थोड़ा हींग डालेंगे, इसमें फ्रेश कड़ी पत्ता डालेंगे, इसमें 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च डालेंगे, कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। अब इसमें उबला हुआ बॉल डाल देंगे इस तरह से। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। ये तैयार हो गया है मेरा स्टफिंग बॉल। अब इसको हम गैस से उतार लेंगे। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। तैयार हो गया है स्टफ सूजी बॉल। अब इसको हम
धनिया से थोड़ा गार्निश कर दे रहे हैं। स्टफ सूजी बॉल तैयार हो गया है। देखिए कितना कम समय में और बहुत ही अच्छा हेल्दी नाश्ता है। आप भी अपने घर में ट्राई कीजिए और चटनी के साथ खाइए, बहुत अच्छा बनता है। फिर हमको बताइए कैसा बना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए रेसिपी के साथ।